लेकिन आरिफ अलवी साहब भी वही गेम खेल रहे हैं जो कि बंदियाल साहब कर रहे हैं, और आरिफ अलवी साहब तो शायद ज्यादा वो कर रहे हैं, क्योंकि आरिफ अलवी साहब को एक, मेरा ख्याल है, कॉस्मेटिक तौर पे वो पीटीआई को जरा खुश करना चाहते हैं, गालियां नहीं सुनना चाहते, लेकिन अंदर खाने मेरा ख्याल है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि 6 नवंबर को इलेक्शंस हो या 10 नवंबर को हो या 10 फरवरी को हो या कभी भी हो, वो सिर्फ ऊपर से एक अपीज करने के लिए कि जी ट्वीट कर दी। भाई कैसे मुमकिन है कि आप प्रेसिडेंट हैं और आपको पता ही नहीं है, आपके स्टाफ को नहीं पता, तो आप उस स्टाफ को सैक कर दें? आपने देखा स्टाफ ने बता दिया, स्टाफ ने वाजे कर दिया, तो वो इसको कहते हैं प्लेइंग टू द गैलरी, क्योंकि वो पीटीआई को भी खुश करना चाह रहे हैं और कर भी वो रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे जबरदस्त फायदा उनका हो गया कि यार कुछ नहीं, उन्होंने और सदर का जो ओहदा है उसको संभाले बैठे हैं। अगर इतना ही पीटीआई या इतना ही उनको नजरियात सूझे हैं या जमहूरियत सूझी है तो पहले इस्तीफा दे देते, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ पीटीआई ही का सदर का ओहदा निभाया है अभी तक, लेकिन जो ही पीटीआई नहीं रही तो उन्होंने भी अपनी जॉब कॉन्टिन्यूटी को देखा है। तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए एक ट्वीट कर देते हैं कि देखो मैंने तो ये किया, लेकिन किया तो उन्होंने नहीं, तो लोगों को दिखाने के लिए कह देते हैं कि जी मैं तो इलेक्शंस मांग रहा हूं, लेकिन कर तो नहीं रहे हैं। लोगों को दिखाने के लिए कह देते हैं कि जी इस्तीफा दे दूंगा, तो दे दे, क्यों बैठे हुए हैं? क्या और सदर के कैंडिडेट्स नहीं है? सो वो भी अपनी जो रावलपिंडी के उनको कबाब टिक्के पसंद आ गए हैं, रातों को आपको याद है एक दफा प्रोटोकॉल लगा के जाते थे, कौन छोड़ता है जी? जितनी अब दोबारा पता नहीं बने ना बने सदर, यही मौका है कि खा ले पिंडी के टिक्के। सदर साहब यहाँ पे पिंडी के तिक्के खा रहे हैं और उधर इमरान खान साहब जेल में है और देसी मुर्गी देसी घी में तल कर खा रहे हैं। और अदालतों में बुशरा बीबी ने दरखास्त दी कि इनकी सेहत गिर गई है, 70 साल के बुजुर्ग हैं और उनके पता नहीं कोई डोले शोले और वो ढलक गए हैं आगे पीछे ये वो, मतलब कम अज कम ये दरखास्त देनी तो नहीं बनती, देसी मुर्गी और देसी घी। देखिए पहली बात तो ये है कि पता नहीं, हो सकता है हालात बदल गए हों, मैं मुझे नहीं पता, मेरे सामने तो बहुत ही बुरा हाल था, मैंने तो बहुत इसके बारे में मुफस्सल तौर पे लिखा भी है कि जब मैं गई तो केचप की बोतल नहीं थी, एक छोटी सी चपाती आती थी और बाहर का खाना आता था जब किसी के पास तो और तरीका था, लेकिन घर में तो मैंने कोई ऐसे कोई तो देसी देसी मुर्गी और घी, वो देसी घी और मुर्गी और वो बकरे की कोई खास रान ऐसा कुछ भी नहीं था घर पे? घर पे तो नहीं था, मेरे आने के बाद मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया, खाना इम्प्रूव किया, लेकिन वो मेरे ही जेब पे बोझ था, या खैर मैंने तो अच्छी तरह से उठाया, लेकिन मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब आपको ओन चौधरी साहब अच्छा देंगे, क्योंकि मुझे एक बात याद आ रही है कि जब मैं नई नई वहां उस घर में गई तो ओन चौधरी साहब मुझे बता रहे थे एक दिन कि पहली बार ये अच्छा पका हुआ खाना नजर आता है और घर की ग्रोसरीज होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि इससे पहले तो जब ये अस्पताल भी थे और बीमार भी थे तो कोई पूछता नहीं था, तो पता नहीं कि हो सकता है, मैं नहीं कह सकती, अब हो सकता है कि इनकी अहलिया ने कुछ हालात इंप्रूव किए हों, लेकिन घर में तो इतना कोई देसी घी और मुर्गियों की वो नहीं थी ऑन अ डेली बेसिस। हाँ अगर कहीं से आ जाता, जहांगीर खान तरीन साहब के घर से मुझे याद है कि आटा बड़ा अच्छा आता था और इधर उधर से देसी मुर्गियां भी आ जाती थी, बकरे भी आ जाते थे, लेकिन ये बात करना कि जी मुझे तो लग रहा है कि ज्यादा अच्छा, मेरी इतला है ये, वैसे बाय द वे तज्जिया नहीं है, मुझे बताया गया है कि बहुत अच्छी तरह से उनको रखा जा रहा है, यानी इंतहाई खुशगवार और सुकून वाले माहौल में उनको रखा जा रहा है। और ये क्यों रखा जा रहा है? इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि कोई भी इस किस्म की एतराज या कुछ कह ना सके, ये तमाम मगरबी ममालिक और अजीब अजीब लोगों को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए जब भी कोई पॉलिटिशियन जाता है जेल में तो उसको जानबूझ के अच्छे ही माहौल में रखा जाता है, क्योंकि उसको अगर कुछ हो जाए तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है, तो मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं है। आज इनको याद आ गया कि 70-72 साल के हैं, जब कौमी यूथ के लीडर बनते हैं कि बहुत यूथफुलनेस है, तो उस वक्त तो बुढ़ापा या बुजुर्गी नहीं नजर आती, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बड़ा गैर मुनासिब भी है कि एक तरफ से आप सियासी लीडर बने। आप यकीन करें, ख्वाजा आसिफ साहब से मैंने पूछा, मैंने खुर्शीद शाह साहब से पूछा, आप ही के प्रोग्राम पे ये मैंने मेंशन किया है, उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया, उन्होंने कहा बीबी ये हमारी शान है,
ये किसी को बताए नहीं कि हम में क्या तकालीफ हुई या क्या कोई जमीन पे सोना पड़ा या क्या, क्योंकि ये बुरा लगता है पार्टी पॉलिटिकल वर्कर के लिए, ये शर्मिंदगी की बात है कि आप बताएं कि अटक में क्या हुआ इनको। तो आपको याद है मियां साहब और जो एक मुशर्रफ के जमाने में तो इनको इस जेल में थोड़ी रखा था, अटक फोर्ट में रखा था, लेकिन बोला नहीं कोई। मरियम नवाज कभी नहीं बोली, वो थोड़ा सा आपको कोई फनी सा इंसिडेंट बताती है कि मैं इस्त्री कर रही थी, वो तो कोई अपनी कोई दुश्वारी नहीं बता रही थी, वो तो बड़ी क्यूट बात बता रही थी कि हाँ हाँ मैंने खाना पकाना शुरू कर लिया। हनीफ अब्बासी साहब से पूछे वो भी ये कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि जी सही तरीके से मैं उनको खाना पकाना सिखा के आया हूँ। लेकिन ये बातें सियासी लीडर को जेब नहीं देती कि तकलीफ हो रही है तो फिर आप सियासत ना करें। ये कैसी लीडरशिप है कि जनाब आप जेल ना काट सके, जेलें भी काटनी पड़ती है, सोटे भी खाने पड़ते हैं। मतलब तुहाडे कहण दा मतलब है कि जेल दे नाल हुण खासा नूं छोटे पैणे चाहीदे ने, इह ते कोई गल ना होई। लेकिन चले, अब आप कह रही है कि हालात लोकी मैं ना कहती लोकी खा दिन लोगों लोकी ने खा छोटे खाते ने, दिन लोगों ने छोटे लोकी खाते ने, लेकिन तुसीं कह रहे हो कि जेल दे नाल छोटे। अगला देसी मुर्गी खाण रहा, तुसीं छोटे खवाण रहे हो। अच्छा चले, लेकिन अब मुझे लगता है हालात बेहतर हुए थे कि बुशरा बीबी की कोई डायरी भी मतलब कोई लीक हुई है, उसमें लिखा हुआ था कि 12 बजे दूध पीना है, 11 बजे फल फ्रूट ये वो, तो कुछ हालात बेहतर तो हुए होंगे खान साहब के, इसलिए शायद देसी मुर्गी पे लगे हैं वो। देखें अब अच्छा नहीं लगता वैसे कि आपने आपने को बनाया था रोस्टर जिसे कहते हैं टाइम टेबल वगैरह खाना खाने का खान साहब का? देखिए मेरा रोस्टर तो सारी दुनिया ने देखा है, आपके समा के आज के मेहमान क्यों मैं लगा हुआ था कि मैंने तो चिश्मा किया हुआ था किचन में कि संडे को क्या पकना है मंडे को क्या पकना है। और ये जो डायरी के दूध वाली अहवाल है वो एक्चुअली मैं अच्छा नहीं लगता ये बात करते हुए, बड़ी पुरानी बात है, माजी की बात है, अब जेब नहीं देता ये बात करते हुए। लेकिन ये मैंने किताब में वैसे लिखा है कि वो 12 बजे या 1 बजे इस तरह से वो जग जो दूध का था, वो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी अहलिया का ये आइडिया, ये इनका जाती आइडिया है और वो किसी और बात के साथ जुड़ा हुआ है, छोड़ो मिट्टी पाओ। लेकिन वो एक फ्रिज में वो नीला जग पड़ा होता था मुल्तानी पॉटरी का, जो कि रात 12-1 बजे वो दूध और वो पिया जाता था, और उसका ताल्लुक जिस चीज के साथ जोड़े उसके साथ नहीं था। लेकिन वो मेरा ख्याल है पुरानी कोई क्रिकेट के जमाने की आदत है, वो किताब ही उसके लिए पढ़े तो बेहतर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बेगम साहिबा की ये तो बल्कि अच्छी बात है कि कोई उनको खाना याद दिला रहा है, लेकिन ये आदतें पुरानी है। इस उम्र में कोई कोई अहलिया भी आ जाए ना तो नई आदतें ना सिखा सकती है ना सुधार सकती है। आपको पता है 30 साल के बाद मर्द 30 साल का हो जाए तो उसके बाद उसको कोई सुधार नहीं सकता। मिर्जा साहब मेरा ख्याल घर नहीं है गया आज। आधा आधा घंटा तुम दे के गए ने, कह के गए इनके 10 बजे तक आप फारग हो जाए, और आपको पहले पहले उन्होंने मैसेज के कह दिया, मैंने उनका मैसेज भी कन्वे कर दिया, मैंने कहा ये तो तुम्हारे भाई का इंटरव्यू है, आज तो तुम अगर 9:30 बजे शुरू कर रहे हैं तो यानी कि वो मैं आपको यही इशारतन बता रही थी कि 30 साल से जब कोई मर्द क्रॉस कर ले तो फिर उसको उसकी आदतें कोई सुधार नहीं सकता, जैसा होता है वैसे ही। और जिसकी बहुत बुरी आदतें हो या बहुत पक्की आदतें हो तो 60 साल के बाद तो आप सोच ही सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई अहलिया हो या कोई माँ हो या बहन हो या दोस्त हो, कोई भी सुधार नहीं सकता। कोई भी नहीं सुधार सकता। अच्छा जरा ये बड़ा अहम है, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी किसी की बद्दुआ या हा भी लग जाती है। बुशरा बीबी अदालतों के चक्कर खा रही है, बुनियादी केसेस में इनका किरदार साबित हो रहा है। इनके बच्चे फरह गोगी के साथ मिलकर करप्शन में पाए गए हैं, दुबई फरार करा दिया गया, मकाफाते अमल है, कहीं आपकी हा तो नहीं लगी इनको? देखिए मैं आप यकीन करें कि मैं समझती हूं कि किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि जो अल्लाह का इंसाफ है ना वो आपके सामने आ जाता है। मैं समझती हूँ मेरी जो दुआएं थी या मैंने जो किया है, एक तो आपके अमाल का सिला आपको मिलता है लेकिन आपकी नीयत का भी आपको सिला मिलता है। तो चूंकि जी मेरी नीयत साफ थी तो जब मैं हाथ दुआ के लिए उठाती थी तो मेरे अल्फाज ये होते थे कि अल्लाह पाक मुझे और मेरी फैमिली को। अब औरत अपनी फैमिली किसको समझती है, जो भी उसका घर वाला होता है, बच्चे होते हैं, ससुराल होता है। तो मैं ये दुआ करती थी और बड़ी नेक नीयत थी, ये हमें सिखाया गया। तो
तो अल्लाह पाक को शायद मेरी नीयत पसंद आई और उन्होंने मुझे बचा लिया। देखिए, इस दिन से बचा लिया जो इस औरत के ऊपर बीत रही है, इस दिन से बचा लिया। तो उस पे तो जो कर रही है या जो उस पे बीत रही है, अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे। मैंने ना किसी को बददुआ दी है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी जाहिर है जब वालदैन का ऐसा हाल होता है तो बच्चे जाहिर है अफेक्ट तो होते हैं, मतलब आपकी सुपरविजन में भी नहीं रहते। लेकिन अल्लाह ने जो जो मेरे लिए अजीज था कि मेरे बच्चे सीधे लाइन पे रहें और प्रोटेक्टेड रहें, अल्लाह ने मुझे महफूज रखा, इस रुसवाई से महफूज रखा, इस रुसवाई से महफूज रखा। तो वो मेरी नीयत का अल्लाह ने सिला दिया। और मैंने अपनी, इंसान अच्छी नीयत ही कर सकता है, अच्छी कोशिश ही कर सकता है। दानिस्ता तौर पे मैंने ना कभी किसी का दिल दुखाया है, ना किसी का हक मारा है, ना किसी का घर उजाड़ा है, ना किसी के मासूम बच्चों की के दारकशी की है, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। तो जो मेरे साथ किया, जिसने किया, अल्लाह पाक उनसे हिसाब ले रहा है। लेकिन मैंने नहीं कभी ऐसा किया कि किसी की बच्चों की माँ के ऊपर कुछ गुजरे या किसी के बच्चों के साथ कोई बुरा हो। इसलिए क्योंकि मैं समझती हूँ इंसाफ करने वाला जात अल्लाह की है, हम नहीं है। क्या पता मैं ही गुनहगार हूँ, क्या पता मैं ही गलत हूँ। लेकिन आज जो हो रहा है उसको देख के ये मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे बचाया है, अल्लाह ने मेरे बच्चों को बचाया है। और आज देखे मैं, अब आपके भाई साहब आपकी वजह से, आपका नाम सुन के उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं आधा घंटा, मुझे यही कहने लगे कि 1 घंटे में तो आप फारिग होने नहीं वाली। तो आपने फिर कहा, मैंने उनको मैसेज भेज दिया कि आप तो नए हस्बैंड आए हैं, वो पुराने भाई हैं। तो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनसे कह दे कि इंटरनेट को मेरे हाथ में है, बिजली किसी को भी मौसम मेरे हाथ तार में खींची जा सकती है।